तीन दिन से पेट में दर्द था, बुखार था। मैंने दोस्त लोग से कर्जा पैसा लेके दवा खाया हूँ, मेरे पास एक रुपया तक नहीं है। मैंने कंपनी को बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन उसने नहीं माना, मुझे धमकी भी दिया कि कैंप छोड़ के चले जाओ और बहुत सारा कुछ बोला। अजमत नाम है उसका, HR डिपार्टमेंट में वो सुपरवाइजर है, बिहार के रहने वाला है वो, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मुझे दो तीन बार टॉर्चर किया उसने, अपने दो तीन उसके वो है आगे पीछे करने वाले, उसने आकर मुझे धमकी भी दिया कि रूम छोड़ दो, तुम चले जाओ, जहाँ भी जाना चले जाओ। जावेद भाई एक आज का जिक्र भी करना, लेकिन 30-40 सेकंड का ही टाइम है क्योंकि इतनी लंबी वीडियो नहीं जा पाएगी। मैं जावेद अहमद बोल रहा हूँ सर। प्रॉब्लम सेम है, लेकिन आज हमें ऑफिस में बुलाया था कि आप ऑफिस में आके अपना हिसाब ले लो और आप लोग चले जाओ। जब हम ऑफिस में गए तो हम चार आदमी को ऑफिस में अंदर बुलाया और एक एक करके सबका साइन ले रहा था। तो सभी लोग जिसमें से 6 बंदे ने साइन दिया और उसके बाद हम पूछे सर साइन ले रहे हैं पैसा कभी देंगे, तो बोले पैसा का भूल जाओ। और आपका एम्बेसी जो है वो 4 दिन आपके साथ में आएगा, 5वें दिन कोई नहीं आएगा और आप लोग ऐसे ही रहोगे, कोई पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अजमत नाम का हमारा HR में काम करता है, जो हमारा मैनेजर है, उसने कहा है कि अगर आपको सऊदी में रहना है तो सऊदी का रोल फॉलो करना पड़ेगा। तो सऊदी का रोल सर ये नहीं है कि आप 6 महीने पैसा मत दो, किसी को खाने के लिए मत दो, रोड पे सुला दो, कैंप से निकाल दो। ये सारी चीज़ें हमारे साथ 6 महीने से हो रही हैं। हमारी निवेदन है श्री PM नरेंद्र मोदी जी से, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से कि हमें कैसे भी करके यहाँ से निकाल लें। शुक्रिया।